सो अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कंसीडर करने के बाद हमारा जो प्रेशर 3.45 MPa आ रहा है, न्यूटन पर एमएम इसको आ रहा है। अब इसके बाद जब हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे विद इफिशियंसी इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, सो जब जो हमारा प्रेशर आ रहा है वो इस तरीके से सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू पीडी ओवर 2t एंड फॉर इफिशियंसी गिवन देन लॉन्गिट्यूडनल इफिशियंसी इज 0.75, सो पीडी इज डायमीटर गिवन 2t and this is the maximum permissible tensile stress and from here we calculate 2.88 MPa is the pressure. So 2.88 MPa is the pressure है जब हम लोग circumferential stress को consider कर रहे हैं और longitudinal को कर रहे हैं, तो हमारा pressure आ रहा है 3.45. तो हम लोग जो दोनों का minimum होगा उससे ज़्यादा pressure provide नहीं कर सकते, नहीं तो अगर हमने अगर इससे ज़्यादा प्रेशर यहाँ ये वाला प्रेशर प्रोवाइड कर दिया तो इस वाले जॉइंट पे फेल पक्का है। तो यहाँ पे फेल होने से बचाने के लिए आप लोगों को जो मिनिमम प्रेशर है वो हमें प्रोवाइड करना है। सो मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर ऑफ टैंक विल बी मिनिमम ऑफ गिवन 2 और कैलकुलेटेड 1:2। सो द प्रेशर इज पी इज इक्वल टू 2.88 फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अगर अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था उसमें था कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, अगर आपको पूछा है कि प्रेशर हेड कैलकुलेट करो तब आपके लिए इस कंडीशन में डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट भी चाहिए लिक्विड का। सो इफ आस्क्ड अबाउट द प्रेशर हेड, सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, सो डब्ल्यू इज द स्पेसिफिक वेट एंड हाइट सो इज इक्वल टू द प्रेशर। जैसे कि आपको ब्रीफ में एक बार मैं बता दूँ कि किसी भी बॉडी, अगर ये कोई बॉडी है, सिलेंडर है, इसमें पानी भरा है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस तरीके से होगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो W इंटू एच, एच इज द हाइट अबव दैट लेवल जहाँ पे हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो W इज द स्पेसिफिक वेट एंड एच इज द हाइट। अगर प्रेशर हेड पूछा जा रहा है मतलब प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, सो P इज द प्रेशर गिवन एंड नाउ द स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड एंड एच। सो स्पेसिफिक वेट हमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट दे दिया 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट को हम लोग सेम यूनिट में लेके आएंगे न्यूटन एंड एमएम में, तो किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में चेंज किया 7.85 इंटू 10 to the power 3, सो न्यूटन हो गया। अब एमएम को हमने एमएम क्यूब में किया तो 10 to the power 9 एमएम क्यूब। ये मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि 1000 एमएम इज इक्वल टू 1 meter। सो अगर हमें 1 meter क्यू चाहिए तो हमें दोनों साइड का क्यू कर दिया, सो अप्लाइंग दिस कंडीशन विल गेट 10 to the power 9 एमएम क्यू। सो फाइनली स्पेसिफिक वेट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर एमएम क्यू 7.58 इंटू 10 to the power 6 माइनस 6, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड। सो दिस इज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, ये एक आंसर हो सकता है अगर पूछा जाता है तो। नाउ वी कम टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल वी ओवर वी, ये फॉर्मूला हमने अभी एक वीडियो में देखा था किस तरीके से ड्राइव होता है, तो ये मैंने बेसिकली इसलिए ड्राइव किया क्योंकि अगर आपको इसका डेरिवेशन प्रॉपर पता लग जाएगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, बाकी मैंने ज़्यादा डेरिवेशन नहीं किए जो पिछले वीडियोज हैं। सो डेल वी ओवर वी 0.567 इंटू 10 to the power 6 एम एम क्यू इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो यूनिट this will not be there, so del v over p, p d over 4 t e 5 minus 4 mu, so p d 4 t 12 and e 12 200 into 10 to power 3 already I discussed is a modulus of elasticity, Young modulus, and mu is the 0.3 this is mu and 5 minus 4 mu, finally we get del v over p is equal to this value, okay, and so this is the volumetric strain. Now change in volume if we have to calculate then we have to multiply v, वी जो जो बॉडी है हमारा उसका इंटरनल डायमीटर है, लाइक अगर ये सिलेंडर है तो इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है दैट वी एंड देन चेंज इन वॉल्यूम डेल वी ओवर वी, सो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एल लाइक दैट। सो फाइनली वी गेट पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एल एंड फ्रॉम हियर वी कैन आई कैन राइट हियर लाइक, so now from here finally we get del v is equal to, now use again, so how much 0.567
0.567 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power -3 मीटर क्यूब. दिस इज द आंसर. आई कैन राइट हियर लाइक सो अगेन द 1 meter cube is equal to 1000 liter. So I can write here like del V is equal to 0.567 into 10 to the power -3 into 10 to the power 3 liter. So finally 0.567 लीटर इज द आंसर. वॉल्यूम है किसी सिलेंडर का तो हम लोग इसलिए लीटर में दे रहे हैं. तो इसलिए हम लोग इस तरीके से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो सही कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है. एग्जाम में आप लोग ध्यान से करो. तो ये जो है यहाँ से ये अलग है. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम.